हाथी बीएसपी का हाथ, मैं इसमें भी हाथ खड़ा नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पर दुर्गादास जी को याद करने आया हूँ। 380 वर्ष बाद इन्हें दहीकल जमीन मारवाड़ में नहीं मिल पाई, इन्हें अपने अंतिम सांस लेने का इजाजत भी उज्जैन जाना पड़ा। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ प्रदीप सरकार के अनुरोध पर 50 लाख रुपए उस छतरी के रख रखाव और उस रस्ते के लिए उन्होंने सहज मंजूर किए। अभी लगभग लगभग काम पूरा हो रहा है। पहले पता करना पड़ता था उज्जैन में दुर्गादास जी की छतरी कहाँ है, अब कम से कम वो दिक्कत तो नहीं होगी। हर प्रमुख चौराहे पर दुर्गादास की छतरी का बोर्ड लगा हुआ है और वहां अंतिम स्थल पर जहां दुर्गादास जी की छतरी है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने पीएचडी डिपार्टमेंट ने कब्जे कर ली थी, वो वापस सीमेंटेड रास्ता है। और उसके अलावा भी अभी वहां जो जसवंतपुरा आगछीपुरा करना जसवंतपुरा यहां का एक परिवार कार्मिक परिवार से संबंधित नागदा से विधायक है, उसको उस काम की फिर जिम्मेवारी दी गई है और कहा गया है कि 1.5 करोड़ रुपए भी अगर जरूरत हो तो दुर्गादास जी की। आज अगर इस दुर्गादास जी को उज्जैन में याद किया जा रहा है तो मैं मानता हूं उसमें बहुत कुछ राजनीतिक कारण है, बहुत कुछ सामाजिक कारण भी है। और इन सब कारणों में जब हम हिम्मत छात्रावास में हिम्मत दिखाने के लिए खड़े हुए हैं तो मैं ये मानता हूं ये मंचों को समतालाम जी महाराज ने बहुत मूर्ख शब्दों में बता दिया, हमें ये फूल ये नहीं कर दीजिए थी, या तो आयोजन हम करें और नहीं तो आयोजन समिति को बताएं कि भाई फूल और हाथी का साथ और हाथ का साथ हम करने के लिए तैयार हैं, क्या इस चीज की इजाजत है क्या। आज राजपूतों की बहुत याद आ रही है और उस याद का अगर कोई कारण है तो ये संयुक्त संघर्ष समिति जिसने चाहे चतन सिंह का मामला हो चाहे भंसाली का मामला हो चाहे आनंद कुमार का मामला हो चाहे वो सिटी कलेस का मामला हो, भी मदनलाल जी से भी आए थे तबियत पूछने के लिए, अब कम से कम कोई तबियत पर पूछता अच्छा बोला लंबा चौड़ा आपके सामने खड़ा हो, जो भी हो कैसा हो ऐसा तैयार हो, आप चिंता मत करना, जो कोई भी तबियत पूछेगा वो ऐसा लगेगा जैसे मेरे को कोई बुड्ढा बनाना चाह रहा है। और मैंने तो चिदम्बरम को भी कह दिया था बुड्ढा होगा तेरा। पर इन सब के बीच में आज अगर जरूरत है तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग गुलामी की हद तक जहां समर्थन कर रहे थे जहां समर्पण कर चुके थे वो गुलामी की जंजीरें तोड़ने को क्यों मजबूर हो गए। अभी मदनलाल जी सही आए थे प्रदेश अध्यक्ष और उसके 5-10 दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, दोनों ने तबियत बदल चुके मदनलाल जी सैनी ने तो दूसरे दिन अखबार में भी दिया कि राजपूत जात में आक्रोश है, नाराज है राजपूत समाज बीजेपी से। मैं तो मानता हूं बीजेपी नाराज है राजपूत समाज से। हर बार सड़कों पे उतरो, कोई बात आपकी सही हो तो सड़कों पे उतरो, कोई बात आपकी अगर सही नहीं हो तो भी सड़कों पे उतरो। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में गिरजाघर महाराज जी आपके आशीर्वाद से बहुत बार मनाई हुए, हर बार मनाने का प्रयास भी करते हैं और अंत में जाते जाते फिर उन गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। फिर कैसे हो तो मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, डीवाड़ा में हमारा साथी है यूनुस खान, कितने राजपूतों की छाती पर चढ़ते बना होगा ये भी पता नहीं है, कितने राजपूत उसके साथ हैं ये भी पता नहीं है, पर उसके बावजूद भी जो इतिहास रचा संघर्ष समिति ने
अजमेर में 90% राजपूत को कांग्रेस पे वोट डाल दिया, आज तक नहीं हुआ ऐसा कभी भी। आज तक आजादी के बाद एक भी बार ऐसा किस्सा नहीं है कि राजपूत ने 90% वोट कांग्रेस को दे दिया। आज ये संघर्ष समिति के सिर्फ होगी और राष्ट्रीय स्तर पर पूछो तो कर्णी सेना के और लोकेंद्र सिंह कावजी को सबसे ज्यादा होगा। मुझे इस बात का डर नहीं है, मैंने हरदम ही कहा समाज के भावों को समझा जाए, समाज क्या चाह रहा है अगर नहीं समझ पाओगे बहुत सी पार्टियां आई है और चली जाएंगी, बहुतों को अगर नहीं गई है तो हम भेज देंगे। पर इन सब के बावजूद भी आज अगर 380 वर्ष बाद अगर हम दुर्गादास जी को याद कर रहे हैं, इन बच्चियों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो बच्चे लोगों आप लायक हैं, इसलिए लायक है इसलिए आपको सर्टिफिकेट दिया है। और जब कभी भी आप उत्तम सिंह बन जाए तो ब्याज हमें चुका जरूर देना, ये आपके ऊपर रण है। आज पहली बार है कि कोई सरकारी मुलाजिम नहीं तो बहुत घबराते हैं, और आप शायद उत्तम सिंह जी को भी पता होगा कि समाज कुछ करे ना करे थोड़ी सी तकलीफ में जरूर खड़ा होगा अगर उत्तम सिंह पर कोई आ जाए। समझते सरकारें बहुत हो गया, ये बहुत उत्पीड़न झेला है हमने, सिर्फ इसलिए कि हम तो कई बार मैं सुनता हूं बहुत आश्चर्यजनक बात, हम तो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं, गांधी साहब थे तब तक तो नहीं थे, जब यहां से उमेश सिंह जी और भगवंत सिंह जी डाला थे तब तक तो नहीं।